हेलो, हाँ एमएलए अश्विन कोटवाल जी बात कर रहे हैं। या अच्छा सर, मैं थोड़ा हाँ टाइम्स डॉट कॉम यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। बोले बोले आपसे शायद 2-3 दिन दो पहले बात हुई थी मेरी दलाई है आपसे 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी और दोबारा बात करना चाह रहा था, इसलिए कॉल किया था। हाँ सर, आप मैंने आपको पोसीना गणना की कुछ बात बताई थी, लास्ट पढ़ी हुई ऐसा। हाँ मैं जा रहा हूँ। कल मैं कल का प्रोग्राम बनाएगा जी, कल जाने वाले हैं। कल। हाँ अच्छा, मतलब आपने फोन करके बात की या नहीं, कुछ पता चला या? वो जब ट्रैवल की बात होती है तो कुछ होता नहीं है ना, वो व्यक्तिगत होता है ना वहाँ, तो वो अच्छा आदिवासी के सामने आदिवासी का रहता है, लास्ट जैसे खड़ी रहती है, 1 मिनट। अच्छा हेलो, हाँ, पुलिस से बात की, पुलिस का क्या कहना है आपको? कल भेजा था पुलिस ने मुझे, पुलिस पे जाके जाओ ऐसा बोला था। जी आप जाके आओ ना वहाँ, आपके पास है मीडिया तो जाके आओ ना, कुछ जाके बोलो ना। दरअसल मैं वहाँ जाके भी आया, कई पुलिस वालों से बात भी किया, उनका जवाब भी था जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को पता है। और आज मैंने कई पोसीना तालुका के सरपंच से भी बात किया, तो उनके क्या विचार है वो भी मुझे जानने को मिले हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे ही बात कर लेता हूँ। अभी आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, इसीलिए फिर मैंने आपको कॉल किया है। तो इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था, क्या समाधान क्या लगता है, क्योंकि विजयनगर और खेड़ब्रह्मा, शायद विजयनगर में इस तरह के मामले मैंने नहीं सुने हैं। विजयनगर में नहीं होता तो पोसीना में ऐसा हो रहा है, तो आपके अनुरूप क्या समाधान होना चाहिए या फिर पुलिस को करना चाहिए? वो, समाज का जो समाज के रीति रिवाज से चलता है ना, ये कोई जी बीच में टांग कम लगा ले। हाँ अच्छा, तो कैसे कुछ हो सकता है, क्योंकि आज 24वां दिन है उस लाश को, हाँ और 24 दिन मतलब बहुत। तुम गए तो क्या बोला? मुझे देखिए, समाज का कुछ अलग कहना है कि वो तब तक लाश को नहीं करेंगे जब तक कोई समाधान नहीं होता है। पुलिस कह रही है कि हम हाँ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी अभी तक केवल प्रोसेस चल रहा है, कुछ हुआ तो है नहीं। उसमें ऐसा है कि जब पुलिस बीच में पड़ी थी तो डीएसपी के ऑफिस पे इधर हिम्मतनगर लाश रख के भाग गए थे, तो मैंने जाके फिर से वो लाश को हटवाया था, तो पुलिस भी डरती रहती है। तुम आओ, तुम जाओ वहाँ, तो तुम जाओ वहाँ, कल तुम जाओ वहाँ, देखो जाना था ना, लाश जहाँ थी वहाँ लोगों के बीच जाना था ना। अगर आपको ना पता हो तो शायद मैं लोग लाश के पास जाके उसका भी वीडियो बनाया था, एंड वो हाँ भी बाद में क्या जैसा हुआ? लोगों ने देखा है, तो हाँ मैं वहां जाके आया हूँ, तो लोगों का यही कहना। हाँ लेकिन एक जैसे कि आपका पोसेना विस्तार पड़ता है, खेड़ब्रह्मा विस्तार पड़ता है, तो उसके हिसाब हाँ से मीन्स मुझे ये लगता है कि आपका एक भी एक फर्ज बनता है कि शायद कुछ ऐसा होना चाहिए जो शायद भविष्य में कभी हुआ ही नहीं है पहले, और ऐसा कोई बदलाव हो जाए जिससे मतलब इस तरह थोड़ा तो बदलाव नहीं आए। नहीं दाता में भी रहता है, लाश रख देते हैं। दाता, खेड़मा और पुसीना तीनों तहसील में ऐसा रहता है, समाज के रिवाजों से ये किसी से नहीं मानता, पुलिस भी नहीं मानती, पुलिस से भी नहीं मानते। हाँ तो पुलिस से बहुत प्रयत्न करते हैं, इसका जब उसका निकाल, जब तक उसका पैसा नहीं मिलता, पैसे के लिए करते हैं ऐसे, अच्छा मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन पैसे के लिए बोलते हैं। जब जब वो जब उसका कुछ होता है पैसा, कुछ मिल जाते पैसे, 2-2.5 लाख 3 लाख जितने मिल जाते हैं, तो वो पैसा उठा, वो लाश उठा लेते हैं। वो पैसे देने वाला मिला नहीं होगा, किसने कौन मार के गए एक्सीडेंट में, वो उसको मिला नहीं होगा, इसलिए अब वो लाश रखते हैं। हाँ तो अभी इसका निकाल क्या हो आपके अनुरूप, आप जैसे एमएलए हैं उसके अनुरूप आप क्या नहीं नहीं सोचते कोई हैं? कोई पैसा देगा तो उसका होता है, उसका निकाल होता है, नहीं तो नहीं होता, बाद में ले जाते हैं, नहीं, ये नहीं तो होगा जी, थोड़ा दिन के। हाँ ये तो समाज सोच रहा है, आप क्या सोचते हैं अभी? नहीं नहीं पैसा का नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे प्रशासन है वो बोलते करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से उसका निकाल कर दे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, किसी ने देखा नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं है, जी तो किसी पे पुलिस आरोप भी नहीं लगा सकती है ना। जी वो बोलते हैं कोई आरोप वाला मिल जाए तो पैसा मिल जाए, लेकिन आरोपने वाला कोई नहीं, किसी ने देखा नहीं होगा, तो वो तो FIR ऐसे होती है ना, किसी के नाम पे नहीं होती है ना, जी फिर भी उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका तो ये जो क्या बोलते हैं बीमा के क्या बोलते हैं वो मिल सकता है, लेकिन
लेकिन जब संतोष ट्राइबल लोग को नहीं होगा तब सब ये उसका निकाल नहीं करते। आपके नजरिए में क्या समाधान है? समाधान में तो क्या होता है, बाद में समाधान हो जाता है, कोई मिल जाता है तो समाधान। पुलिस वाले सब अभी तक तो इतने सब करवाया है पुलिस को लिए कोई। और आदिवासी समुदाय को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी चैनल से? कैसे हमारे YouTube आदिवासी समाज को मैसेज तो यह देना चाहते, जब तक उसका कोई ऐसा कोई बना बन जाता है तो उसका समाज के रीति रिवाजों से उसको न्याय मिलना चाहिए ना। जी ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू।